कन्फर्म्ड, रणबीर कपूर एज श्री राम, साई पल्लवी एज सीता माँ और यश एज रावण। अब तक तो पता ही चल गया होगा कि रामायण मूवी बनने जा रही है दोबारा, तो इसके सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके कवर करता हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ रामायण मूवी बना कौन रहा है। तो आप लोग में से किस किस ने चिल्लर पार्टी, दंगल, छिछोड़े मूवी देखी है? शायद सब ने देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी होगी मैं रिकमेंड करूँगा एक बार ज़रूर देख लेना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन मूवीज़ को डायरेक्ट नितेश तिवारी ने किया है, जो कि रामायण का डायरेक्शन करने वाले हैं। ये रामायण एक ट्रिलॉजी होने वाली है, और अब एकदम कंफर्म हो गया है कि रणबीर कपूर एस श्रीराम, साई पल्लवी एस सीतामा और यश एस रावण होने वाले हैं। और कंफर्म तो यहाँ तक हो गया है कि इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर फैब से स्टार्ट होगी। जैसा कि मैंने कहा, एक ट्रिलॉजी होने वाली है, तो शायद इसके फर्स्ट पार्ट में श्रीराम के वनवास जाने तक की स्टोरी होगी, सेकेंड पार्ट में सीतामा के हरण की स्टोरी होगी, और थर्ड पार्ट में सीता माता को वापस लाने तक की स्टोरी को दिखाया जाएगा। यानी कि फर्स्ट पार्ट में यश का ज़्यादा रोल नहीं होगा। पहले तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि यश ने रावण का रोल करने से मना कर दिया है। खैर, अच्छी न्यूज़ यह है कि रावण के रोल के लिए मान गए हैं। मैं तो यश को एज रावण देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो, मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ नितेश तिवारी का, बट उनसे ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि वो आदि पुरुष वाली मिस्टेक ना कर दे। मुझे ऐसी रामायण देखनी है जो कि सही में हमारी किताबों में लिखा हुआ है। फिल्म और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे आदि पुरुष जैसी रामायण मुझे और शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं देखनी। अब बात करें रणबीर कपूर की, तो शायद श्रीराम के रोल के लिए जस्टिफाई करेंगे। देखा जाए तो उनका कंट्रोवर्सी से दूर दूर तक का नाता नहीं है, और सबको श्रीराम का रोल प्ले करने वाला ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो सच में इंस्पिरेशन हो। वैसे रणबीर कपूर अभी तक तो इंस्पिरेशन नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है कि वो श्रीराम के रोल में जस्टिफाई कर पाएंगे। वहीं सीता माता के रोल के लिए साई पल्लवी एकदम सही है। इस फिल्म से रिलेटेड और भी बहुत से डिटेल्स जल्द ही हमें सुनने को मिलेंगे, तो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्या लगता है, रामायण में रणवीर कपूर श्रीराम के रोल में सही लगेंगे? हमें कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।